मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविरावीर्मेधि वेदस्यमवानिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः 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 सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमां अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः परां चिखानि व्यतडत् स्वयम्भू तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मनि कश्चिद्धीर प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्तचक्षुरमृतत्वमीक्षन् परा च कामाननुयन्ति बालाः ग्रंथ कहाँ गया तुम्हारा पराच कामान अनुयन्ति बालाः ते मृत्युयन्ति विततस्य पाशम् अत धीरावमृतत्वं विदित्वा ध्रुवमान् ध्रुवश्री विहीन प्रार्थयन्ति
येन रूपं रसं गन्धं शब्दान् स्पर्शांश्च मैथुनान् एतेनैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते एतन्वैतत् स्वप्नान्तं जागरितान्तं चौभौ येनानुपश्यति महान्तं विभुमात्मानम् मत्वा धीरो न शोचति यैमं मद्वदं वेद आत्मानं जीवमन्तिका ईशानं भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते एतद्वैतत् य पूर्वतपसो जातम् अद्य पूर्वमजायत गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तम् यो भूतेभिर्व्यपश्यत एतद्वैतत् य प्राणेन संभवति अदितिर्देवतामयी गुहां प्रविश्य तिष्ठन्ति या भूतेभिर्व्यजायत एतद्वैतत् अरण्यनिहितो जातवेदा गर्वैव सुब्रतो गर्भिणीभिः दिवे दिवे ईड्यो जाग्रवद्भिः हविष्यमद्भो मनुष्येभिरग्निः अरण्यनिहितो जातवेदा गर्भैव सुभ्रतौ गर्भिणीभिः दिवि दिवि ईड्यो जाग्रवद्भिः हविष्यमद्भिर्मनुष्येभिरग्निः एतद्वैतत् एतद्वैतत् भाष्य देखिएगा। यह अधियज्ञी उत्तर अधर अरण्य निहितो हो निहितो स्थितः जातवेदा अग्नि पुनः सर्व हविषां भोक्ता अध्यात्मं च योगिभिः गर्भ इव गरुणभिः अंतर्वत्निभिः अगर्हित अन्नपान भोजन आदिना यथा गर्भ सुभ्रतः सुष्ठु सभ्यक व्रतो लोक इव इत्थम एव तु ऋतुभिः योगभिः च सुभ्रत इति एतत् किंच दिवे दिवे अहनि अहनि
इद्यस्तुत्युवल्यश्च कर्मभिः योगभिः च अद्वरे हृदये जाग्रवद्भिः जागरण शीलवद्भिः अप्रमत्तैः इति एतद् हविष्यमद्भिः आज्यमद्भिः ध्यान भावनावद्भिः च मनुष्येभिः मनुष्यैः अग्नि एतद्वैतत तदेव प्रकृतं ब्रह्म। श्रुति इस श्लोक की संगति के लिए कहती है कि साधक को सर्वात्मा की दृष्टि कैसे पैदा होए, वह सर्वात्म भाव में कैसा पैदा होए, इस दृष्टि के लिए श्रुति इन श्लोकों को बताती है। कल की कक्षा में सर्वात्म भाव का मतलब मैं कह रहा था, अन्योन्य भाव को न देखना। अन्योन्य भाव को मत देखना मतलब यह है हर चीज को पृथक पृथक देखना, जैसे कि घट अलग है, जल अलग है, मनुष्य अलग है, स्त्री अलग है, सब चीजों को अलग 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 देखना। दृष्टांत के लिए कल मैं आपसे कह रहा था सर्वात्म भाव का अर्थ हुआ कि जो जल को जानता है वो जानता है कि लहर होते हुए भी लहर और कुछ नहीं है, लहर जल है। बुलबुला बुलबुला देखते हुए भी बुलबुला बुलबुला नहीं है, बुलबुला जल है। तरंग बड़ी दिखे या तरंग छोटी दिखे, छोटी या दिखने से कुछ नहीं, वह जल मात्र है। सब कुछ दिखने के बावजूद भी उसकी दृष्टि क्या है कि जल मात्र है, तो उसने क्या देख लिया, सब कुछ जल है। जैसे कि भौतिकवादी ऐसा देखते हैं कि ये सब चीजें पंचमहाभूत से बनी है, तो सब चीजें कैसी हैं, पंचमहाभूतात्मक शब्द बोला जाता है, पंच महाभूतात्मक आत्मक शब्द। तो कुछ भी आप देखो वो सब क्या है, वास्तव में पंच महाभूत ही है। ऐसे ही वेदांत के साधक को सब कुछ देखते हुए वह चेतन की दृष्टि बनी रहे, वह चैतन्य की दृष्टि सब कुछ भेद दिखते हुए भी उसमें अभेद भावना की जाए। बहुत सावधानी से कह रहा हूं, दिखेगा तो भेद ही दिखेगा, लेकिन भेद दिखते हुए भी जो तत्वज्ञ है, जो रसज्ञ है, जो कारण को जानने वाला है, वो कार्य को दिखते हुए भी क्या मानता है, कारण ही मानता है। भले ही मिठाई लाल पीली नीली काली जितने भी आकार की बना लो आप, पूरे हलवाई की दुकान में कितनी प्रकार की मिठाई होगी, जानने वाला एक ही चीज जानता है कि भले ही ये कुछ दिख रही हो, ये सब है क्या, सिर्फ शक्कर है और कुछ नहीं। तो उसको कौन सी दृष्टि पैदा होगी, सब कुछ दिखते हुए भी उसके मन में क्या है कि ये सब क्या है, सब शर्करा एवं मात्र। ऐसे ही तद्वत जैसे उसको ये सब दिख रहा है हिरण्यगर्भ, देखो ये जो श्लोक आपका आया था, और जीव, जीव और हिरण्यगर्भ दो सत्ताएं नहीं हैं, दोनों कैसी हैं, एक सत्ता है। तो बोले फिर जब एक ही सत्ता है तो आपने दो नाम क्यों दिए, फिर एक ही नाम देते, जब एक ही सत्ता है तो आपने दो नाम क्यों दिए।
उपाधि दृष्टि से नामों में भेद होता है, उपाधि दृष्टि से चरित्र में भेद होता है, उपाधि दृष्टि से व्यवहार में भेद उत्पन्न होता है। लेकिन किस दृष्टि से? उपाधि दृष्टि से। एक ही पुरुष पुत्र की उपाधि से पिता है, गुरु की उपाधि से वह गुरु है, शिष्य की उपाधि से वह गुरु है, भाई की उपाधि से वह भाई है। तो आप देखो है वो कैसा? एक। लेकिन उपाधियों के भेद के कारण संज्ञा भी बदल गई, उपाधि के भेद के कारण व्यवहार भी बदल गया, और उपाधि के भेद के कारण चरित्र भी बदल गया। तो ऐसे ही समष्टि उपाधि से उपहित होने के कारण उसका नाम हिरण्यगर्भ है, व्यष्टि उपाधि से घिरे होने के कारण उसका नाम जीव है। यदि समष्टि और व्यष्टि दोनों उपाधियों को हटा दिया जाए तो ना तो वो हिरण्यगर्भ है ना तो वो जीव है। न तो हिरण्यगर्भ सत्य है न तो जीव सत्य है। बोले सत्य कौन है? सत्य चेतन है। तो कल मैं कह रहा था कि यह कोई कहता है कि ये जड़ है और ये चेतन है, ये नित्य है ये अनित्य है, ये दृष्टा है ये दृश्य है, ये पुरुष है ये प्रकृति है। जिसने ऐसा भेद बनाया, ध्यान रखना, वह अभी अज्ञान में जीवित है। या तो उसकी दृष्टि किस पर है? उपाधि पर। जो तत्व को जान गया वो कभी नहीं कहेगा कि ये जड़ है और ये चेतन है। और अगर वो ये कहता है कि ये जड़ है और ये चेतन है तो मान लेना कि उसने कितनी सत्ताएं स्वीकार कर ली? दो सत्ताओं को स्वीकार कर लिया। तो सर्वरूप कहां से हुआ? तो व्यक्ति कहता है कि हमको तो ये सिखाया गया तत्वबोध में, वेदांत सार में, ग्रंथों में तो सिखाया गया कि ये नित्य है ये अनित्य है, ये जड़ है ये चेतन है। बोले वह साधक की प्रारंभिक अवस्था थी जिसमें दो सत्ताओं के बारे में उसको बताया गया, लेकिन जब सर्वरूप सत्ता की बात की जाती है तो चैतन्य मात्र ही है। जो जड़ भी है वह भी चेतन है, जो दृश्य है वो भी चेतन है, जो प्रकृति है वह भी चेतन है। चैतन्य अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है। सिया राम मय सब जग, जग मतलब जड़, जगत मतलब जड़, लेकिन वो कहते हैं जड़ नहीं। सिया राम मय सब जग जानी, सर्वम खलविदम ब्रह्मासि। ये जो भी कुछ है वो कौन है? वह ब्रह्म है, चैतन्य मात्र है। जड़ नाम की चीज यहां पर है ही नहीं। ये दृष्टि कैसी हो गई? ये दृष्टि कैसी हो गई? सर्व रूप। कुमुद अम्मा ने इसको YouTube पे प्रश्न किया, सर्व रूप की क्या बोला आपने? व्यवहार में कैसा? देखो एक बात ध्यान रख लेना, व्यवहार में जो व्यवहार की प्रक्रिया है वो किससे होगी? उपाधि से ही होगी। लेकिन व्यवहार करते हुए भी हमारी जो दृष्टि है वो किस पे रहनी चाहिए? कारण पे रहनी चाहिए। मैं दो तीन दृष्टांत देता हूं कैसे व्यवहार में देखें। एक चिकित्सक के पास 5 प्रकार के मरीज हैं। किसी का पेट दर्द हो रहा है, किसी का आंख दर्द हो रहा है, किसी के फोड़ा फुंसी निकल आई है, किसी को कैंसर हो गया, किसी को हार्ट की बीमारी है, किसी को स्किन की बीमारी। कितने पेशेंट हैं? 5-8। सबकी दवाइयां कैसी हैं?
और उसी पेशेंट में स्त्री भी है, बच्चा भी है, बूढ़ा भी है, जवान भी है, मिडिल एज का भी है। अब आप मुझे ये बताओ, वह जो चिकित्सक है वो सबसे एक जैसा व्यवहार करेगा? हाँ जी, अच्छा, सबसे एक जैसी दवाई देगा तो व्यवहार में उसके क्या दिख रहा है? ठीक है, लेकिन सबके प्रति उसकी दृष्टि एक है, सब बीमार है। ये दर्शन कैसा हुआ? पकड़ में आ रहा है? अच्छा, आपके और गृहस्थ का उदाहरण दें। आपके तीन लड़के, एक दुष्ट राम है, एक सीरियस है, एक ऐसे ही है बहिल्ला है, एक ऐसे ही है कि आपकी बात नहीं मानता। दो तीन लड़के हैं। अब सबसे आपका जो व्यवहार का तरीका है वो क्या है? जो थोड़ा गुस्सैल स्वभाव का है, सर्पवृत्ति का, उसे आप कैसे बात करते हैं? उसे कैसे ऐसी बात करो ही ना जिससे इसका मुंह खुले, खत्म बात। अच्छा, जो ठीक से बात करता है उसे क्या कर लिया? अच्छा, आपकी दृष्टि दोनों तीनों के प्रति क्या है? दोनों तीनों के प्रति क्या है? एक ही दृष्टि है कि तीनों मेरे क्या है। तो अंदर से दृष्टि आपने बना रखी कि ये सब मेरे ही हैं, लेकिन जब व्यवहार करने पर आते हैं तो उनसे क्या बना के रखते हैं? भेद। और पुत्र ना समझ में आए तो पुत्र वधु आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। सभी बहुओं से आप एक जैसा व्यवहार कर सकते हैं क्या? यदि आपके पास है तो आप करके देखो। लेकिन सभी के प्रति जो दृष्टि है वो क्या है? सब मेरे ही है। बन गया? कोई कैसी बुद्धि हुई? पहला उत्तर को ध्यान में रखें, व्यवहार में भेद उपाधि को देकर ही होता है, वरना भेद फिर व्यवहार कैसे होगा? आप ये बताओ, एक गुरु और एक शिष्य है तो ये दोनों में भेद है ना? गुरु के सिर पे तो नहीं चढ़ेगा ना? नहीं, बोले गुरु और शिष्य तो एक ही हैं, लेकिन व्यवहार में क्या रहेगा? भेद। लेकिन गुरु असली गुरु है तो वो जानेगा कि भेद होते हुए भी हमारे और इनमें किसी प्रकार का भेद। ठीक, बार बार मैं कह रहा था गुरु पूर्णिमा पे आपको, गुरु की दृष्टि से शिष्य की सत्ता मिथ्या है, वो मानता ही नहीं है शिष्य भाव, वो जैसा है जस का तस है, माने तो ठीक न माने तो ठीक। कोई माने तो ठीक, कोई ना माने तो ठीक। तो व्यवहार में पहली चीज, व्यवहार जब भी होगा वो किससे होगा? लेकिन व्यवहार अलर्ट होकर कीजिए, सावधान होकर कीजिए, अप्रमत्त होकर व्यवहार मत कीजिए। समझ गए? ये व्यवहार करने की कला है। जब हम लापरवाही करते हैं ना, जिसको बोलते हैं कैजुअल अप्रोच, जो चाहे जैसा चाहा, ये कैजुअल अप्रोच है। उस साधक का जो व्यवहार की प्रति दृष्टि है अंदर से, वो कैसी होनी चाहिए? बहुत सूक्ष्म होनी चाहिए, पहला। दूसरा उपाय, संतों का मत है कि सर्वरूप देखने के पहले एक देश रूप देख लो। सर्वरूप देखने की जगह एक रूप में देख लो। किसको? किसको? उस ब्रह्म को। यही तो देखना है ना आपको। सर्वरूप की जगह पहले सर्वदेशीय की जगह एक देशीय देख लो। एक देशीय देख लोगे तो धीरे धीरे उस एक देशीय को क्या करो? फैलाओ। जैसे कि दो दृष्टियां आपको देता हूं। सब दूर नहीं दिखता, लेकिन जो पूजा स्थल है कम से कम वहां तो ईश्वर मूर्ति में तो दिखता है, इसीलिए मूर्ति पूजा है।
इसलिए वेदांत कभी भी मूर्ति पूजा का खंडन नहीं करता, लेकिन एक दृष्टि के बाद उसको बाधित भी कर देता है। कब बाधित है कब ठीक है? जब मूर्ति आपने रखी तो इस भाव से रखी गई थी कि मुझे सब दूर ईश्वर नहीं देखता है, ठीक है, तो मुझे कहां दिखे? मुझे मूर्ति में दिखे। तो वहां जाने पर मेरे मन में विनय का भाव, श्रद्धा का भाव, छोटेपन का भाव, ये मेरा डेवलप हो गए। और जो ये मेरे सामने बैठा ये मूर्ति है, ये कैसी है? ये संसार का मालिक है। इसको बोलते हैं उपासना, ठीक है। गलती कहां हो गई? अब मूर्ति के अलावा कहीं दिखता ही नहीं। ये इसका मतलब आपको आचार्य ने, गुरु ने या आपने ठीक से साधना नहीं की, आप फंस गए एक चक्कर में। कई बार आपको ये वाक्य सुना चुका हूं, मूर्ति में ही भगवान है, ध्यान से सुनना। दूसरा वाक्य बोला हूं, मूर्ति में भी भगवान है। दोनों में अंतर दिख रहा है? मूर्ति में ही है, यह एकदेशी है। मूर्ति में भी है, यह सर्वदेशी है। अब होना यह चाहिए कि जो नारायण स्वरूप जिसको आप मान रहे थे, तो नर को भी नारायण मानना चाहिए ना। तो हम तो सिर्फ मूर्ति और शालिग्राम तक तो नारायण का भाव रह गया, और जब आपके पास कोई मदद के लिए आया और जहां आपको आवश्यकता थी मदद करने की, वहां आपकी स्वार्थ भावना जागृत हो गई। क्या स्वार्थ? मेरा तो कम हो जाएगा, मैं इसको दे दूंगा तो फिर मेरी मेहनत का कमाया हुआ है दे। ये कौन सी भावना जागृत हो गई? नर भावना। तो कहां से आपकी भाव सरोरूप बनेगी? साधना तो ये है कि अब आने वाली, जाने वाली, आने वाली कोई भी चीज हो, परिस्थिति से लेकर व्यक्ति तक, अब उसमें ईश्वर भावना क्या की जाए? की जाए। यदि कोई आया है तो उसी की प्रेरणा से आया है, और यदि कोई गया है तो उसी की प्रेरणा से गया है। तो अब आपने सब में क्या चालू कर दिया? तो व्यापक हो गया कि नहीं हो गया ईश्वर? लेकिन ज्यादातर उपासक सिर्फ सीमित कहां रहे? सिर्फ मूर्ति तक रहे। ऐसा नहीं, अमुक नहीं, तमुक नहीं, ऐसा सारा नियम बना डाला, तो दूसरे में ईश्वर बुद्धि तो उनकी उत्पन्न हो नहीं पाई। सिर्फ एक तक क्या? इसी को बोलते हैं कट्टरता। ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति सियाराम में सब जग जानी है, सर्वम खलुदम ब्रह्मासी है। ये कट्टरता हमारी संस्कृति नहीं रही। ऐसा भी है तो हमारे यहां वैसा भी है। सोमवार को भी है भगवान, तो शुक्रवार को भी भगवान है हमारे यहां। बन गया, लाल भी भगवान है हमारे यहां, तो हरा भी भगवान है, बुधदेव भी है हमारे पास में, सब कुछ है हमारे। यही नहीं कि यही ही ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमारे पास सूर्य भी भगवान है, तो चंद्र और तारा भी भगवान है। सब चीजों में आप देखो, जिसने बोला यही ही मेरा है चंद्र और तारा, वो कट्टरता आ गई। अरे जो कुछ दिख रहा है वो सब हमारा है, ये क्या हो गई? ये उदारवादी हो गई। उदार चरिता नाम तु वसुदैव कुटुंबकम, इसीलिए बोला गया। चित्त बड़ा तो हो गए कम से कम। स्पष्ट होता है? कुछ मकर जला अटते के भी है आपके मन में, पूछ लीजिए और से। व्यवहार उपाधि से होगा, संभल कर, अलर्ट होकर, सावधानी से व्यवहार कीजिए कि व्यवहार करते हुए भी हमारी जो दृष्टि है वो किस पे होनी चाहिए? किस पे?
सोनार इतनी सारी डिजाइनों का व्यवहार करता है लेकिन उसकी दृष्टि किस पे रहती है? सोने पे। बन गया? आप कितना कर लो, हाथ का, पैर का, 80 साल पुराना, 100 साल पुराना, दादी का, नानी का, काकी का, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं आप में। वो क्या कहेगा, वजन कितना है ये बताओ। बन गया? तो उसकी दृष्टि किस पे है? सोने पे। लोभी व्यक्ति हो गए तो वो ही नहीं देखेगा कौन है, उसकी दृष्टि पैसे पे ही है। मुझे इससे क्या चाहिए? पैसे चाहिए, चाहे जो करे, गाली दे, अच्छी बात बोले, बुरी बात बोले, पैसे दे दो, खत्म करो। सी ये कैसी दृष्टि हो गई? सिर्फ पैसे पे दृष्टि। तो व्यवहार उपाधि से होता है, उपाधि से व्यवहार करते हुए भी हाँ उस तत्व पे निगाह रखें। स्पष्ट हो गया? और साधना के क्रम में पहले किसी एक मूर्ति में, और मूर्ति से भी भला कहा गया, गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देव, क्योंकि मूर्ति तो बोलेगी नहीं आपसे ना, मूर्ति बोलेगी नहीं, लेकिन वो जो चैतन्य गुरु होगा वो क्या करेगा, वो बोल देगा। तो इसलिए पहले कहीं ब्रह्म बुद्धि ना करके पहले किसी एक व्यक्ति में क्या कर ले, तुमेव माता च पिता तुमेव, गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देव। और जब महेश्वर बनेगा तो हमारी श्रद्धा हटेगी? बोले ना, वो तोड़ेगा भी आपको, गलत बातों का विरोध भी करेगा। वो बुद्धि बनी रहे, बोले ये अपने घर के, हम अपने घर के, तो आप समझ लो ये व्यक्ति स्वार्थी, इसकी बुद्धि ठीक नहीं है, विध्वंसक बुद्धि है इसकी। स्पष्ट हो गई? इसमें रह जाता है किसी और को कोई प्रश्न? अच्छा, अब प्रश्न तो तब आए जब पहले आप मनन और चिंतन करें, जब दोबारा सुना होगा तो इसमें प्रश्न आएगा। अच्छा, हम तो आगे बढ़ते हैं। अब सर्वरूप के प्रतिपादन के लिए श्रुति कहती है कि दो चीजें हैं, हिरण्यगर्भ और जीव, यह दो पृथक पृथक सत्ताएं ना होकर कैसी हैं, एक सत्ता है। ये क्या दिखाना चाहती है? सर्वरूप। इसी सर्वरूपता को आगे दिखाती है, देखो क्या कहते हैं, अरण्यो निहितो जात वेदा, मिल गया सबको मंत्र, अरण्यो निहितो जात वेदा गर्भ इव सुब्रतौ गर्भणी भी। तोड़ तोड़ के शब्दों को पढ़ना है। जैसे कि जो यज्ञशाला की अग्नि है, ये क्या बोल दिया आपने, जो यज्ञशाला की अग्नि है, पहले उद्देश्य बोल देता हूं फिर इसका खोलता हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा ये श्लोक। जो यज्ञशाला की अग्नि है और जो ध्यानाभ्यासी का जो देह है, वह दोनों ही ब्रह्म है। जो यज्ञशाला की अग्नि है और जो ध्यानाभ्यासी का ध्येय है, वो दोनों ही कौन है, वो दोनों ही ब्रह्म है। महाराज बोले समझ में नहीं आ रही है। ध्यान रखने की जो चीज है वो सुनिएगा, यहां चेतन को अग्नि बताने का प्रयोजन नहीं है, यज्ञशाला की अग्नि, यहां चेतन को यह नहीं बताया जा रहा है कि चेतन अग्नि है, अपितु चेतन ही अग्नि रूप में भासित हो रहा है। दो में जमीन आसमान का अंतर है। कोई ये ना सोच ले कि चेतन को अग्नि बताया जा रहा है तो आप भावना में लग गए, फिर तो भावना प्रधान हो गया, आप विचार प्रधान नहीं हुए।
चेतन को अग्नि बताने का प्रयोजन नहीं है, अपितु चेतन ही अग्नि के रूप में भासित हो रहा है। बोले पहले तो आपने कहा वो यज्ञशाला की अग्नि है, ये क्या कहा आपने? देखिए क्या है, यह कश्चित कोई, लेकिन वो बिरला है, वो सामान्य साधक नहीं है, वो जो सर्वरूप में ब्रह्म को देखना चाहता है वो आसान नहीं है, लेकिन उनमें से कोई एक यह कश्चित अधियज्ञे, देखो शब्द क्या, भाष्य देखिएगा एक एक शब्द, अधियज्ञे, अधियज्ञे मतलब यज्ञ में क्या होती है, आपने देखी होगी अरणी, अरणी से देखा है अग्नि उत्पन्न होते हुए उसे ना, पत्थर पहले लकड़ी की काष्ठ होती थी, और अभी तो उसपे भी अवेलेबल है, आपको YouTube पे दिख जाएगी कैसे अग्नि प्रज्वलित होती है। तो क्या होता है, तो वह जो अग्नि है वो कहाँ है, वो लकड़ी में है, तो लकड़ी में कहाँ है, उत्तर अधर अरण्यों हो, मिल रहा है, उत्तर अधर, उत्तर अधर मतलब ऊपर और नीचे, क्योंकि दो कौन सी हैं, अरणी है, एक ऊपर है और एक नीचे है, अरणी देखते ना, एक ऊपर है और एक नीचे, तो क्या बोलते हैं, यह अधियज्ञे उत्तर अधर अरण्यो निहितो स्थितः, उसी में कौन छिपा हुआ है, उसी में अग्नि छिपी हुई है, किसमें, जो ऊपर और नीचे लकड़ी है, और उस का नाम क्या दे दिया, जात वेदा अग्नि, अग्नि का नाम क्या दे दिया, जात वेद, और क्या बोलते हैं, पुनः सर्व हविषा, देखो अग्नि को कहा गया है सभी देवताओं का जो मुख है वो कौन है, वो अग्नि है, ध्यान से सुनिएगा, वो दूसरी नचिकेत, ये तो एक यज्ञ की बात कही जा रही है, लेकिन अग्नि का एक दूसरा नाम क्या है, जात वेदा। अच्छा अब सुनना, ये अग्नि को क्यों कहा जा रहा है ब्रह्म, देवताओं तक को सबको जो देने वाली है वो कौन है पता है, तो उन देवताओं के उन पहुंचाने वाली जो है वो अग्नि है, तो बोलते हैं अग्नि ही सर्वमुख है। अगर आपने अग्नि में ध्यान रखा, लेकिन अग्नि में कैसी, ये याद रख लेना, प्रज्वलित अग्नि में, ये सावधानी रखना, प्रज्वलित अग्नि, अगर आपने उस प्रज्वलित अग्नि में कुछ आहुतियां दी तो ध्यान रखिए दिखेगी अग्नि, लेकिन वो किसको मिलेगी पता है, सब देवताओं को मिलेगी, जिसके जिसके लिए आपने किया है, तो वो देवता तो नहीं दिखे, कौन दिखा, अग्नि, तो अग्नि ही उनका हव्य वाहन बन गई। अब जब आप मुंडक पढ़ेंगे तो उसमें आएगी यदा लेलियते अग्नि ही, वहां तो लपटों के नाम भी दिए गए, काली कराली च मनोजवाच, और कभी इस दृष्टि से देखना कि जो अग्नि जलती है ना उसकी जीभ है वो लपलपा रही है, जीभ एकदम आगे की ओर आ रही है, और जैसे ही आपने उसमें डाला और उसने क्या कर लिया, खत्म, फिर से वो मांगती है, लेकिन जो आपने अग्नि में डाला, प्रज्वलित अग्नि में डाला, बुझी हुई अग्नि में नहीं, इधर उधर जल रही अग्नि में नहीं, कहां बीच में जो अग्नि जल रही है, उसे एकदम बीच की अग्नि में जब आपने आहुति डाली तो वो आहुति सभी देवताओं को क्या हो गई, मिल गई,
स्पष्ट हो गया। यहां फिर से देखिए, पुनः सर्व हविषा, पुनः सर्व हविषा, तो आदियज्ञ में जैसे अग्नि देवताओं का मुख है, क्या कहा गया? आदियज्ञ में भाई देखो, आपने गीता पढ़ी इसलिए अब इसको बताने की, तीन सत्ताएं हैं, आदियज्ञ, अधिभूत और अध्यात्म, दो सत्ताएं तो अभी आपको दिखाई दे रहा हूं, कौन सी? आदियज्ञ और अध्यात्म। अध्यात्मम किम? आया? हाँ, आप ही अध्यात्म हो, स्वभाव, स्वभाव नेचर नहीं, स्वभाव जो आपका अपना भाव मैं है, वही कौन है? अध्यात्म है। अभी आएगा, देखो, अधियज्ञ में जो अग्नि है वो सभी देवताओं का मुख है, इसी तरीके से अध्यात्म में जो भोक्ता है, कौन? भोक्ता, इतने सारे विषयों का भोग कौन करता है? कौन? भोक्ता। भोक्ता मतलब आप मतलब जीव, जो आप खुद हो, बैठे हो इस समय, मिल गया? दो को दिखा रहे हैं, फिर से पंक्ति को भाष्य की देखिएगा, यह अधियज्ञ, अधियज्ञ में उत्तर अधर अरण्य हो, अरणी के ऊपर नीचे हिस्से में निहित स्थित जात वेदा अग्नि, उनमें ऊपर और नीचे में वह जो अग्नि है वो स्थित है, मिल गया? पुनः सर्व हविषाम भोक्ता अध्यात्मम, अध्यात्म में कौन है? भोक्ता। अधियज्ञ में कौन है? अग्नि। अधियज्ञ में अग्नि, अध्यात्म में भोक्ता। अच्छा, अब सावधानी से इसको देखना, वरना संगति न लगी तो एकदम गए आपको। अब दोनों ही अध्यात्म में जो भोक्ता है और अधियज्ञ में जो अग्नि है, वह दोनों ही चेतन है, सर्वरूप दिखा रही है श्रुति। कैसे? जो अग्नि है वह भी चेतन है, जो भोक्ता है वो भी कौन है? चेतन है। जैसे कि यज्ञ को संभालने वाले का नाम क्या है? जो अधियज्ञ होता है, यज्ञ कर रहे हैं, उसको संभालने वाले का नाम क्या है? ऋतिक, कर्मी, पुरोहित, होता। यज्ञ को संभालने वाला कौन है? ऋत्विक, भोक्ता, कर्मी। ये क्या करता है? ये यज्ञ को संभालता है। एक व्यक्ति बैठता है जो इन सब चीजों को क्या करता है? संभालता है। उसका नाम क्या है? ऋत्विक, कर्मी, पुरोहित। तो यज्ञ को संभालने वाले का नाम ऋत्विक है, पुरोहित है, कर्मी है। इसी तरीके से भोक्ता को संभालने वाला अंदर से कौन है? उसका नाम है योगी। देखो, बदला, भोक्ता भाव को अंदर से संभाल, कितना भोग करो, बहुत ज्यादा खा रहे हो, कौन बता रहा है? अंदर कोई योगी बैठा है ना आपके अंदर, योगी बैठा है ना अंदर, आप बहुत ज्यादा देख रहे हैं, अंदर से आवाज आएगी, बहुत ज्यादा देख रहे हो मोबाइल, बहुत ज्यादा मोबाइल देख रहे हो,
खाना खा रहे हो, बहुत ज्यादा भोजन कर रहे हो, बहुत ज्यादा सो रहे हैं अंदर से, आप बहुत ज्यादा सो रहे हो, ये कौन बता रहा है? इसका मतलब जो आप भोग भी कर रहे हो उसको भी कोई ना कोई क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है योगी, मिल गया। और उसी का नाम है ध्यानाभ्यासी। देखो अध्यात्म में प्रवेश कर रहे हैं, इसी का नाम है ध्यानाभ्यासी। श्रुति क्या बोलती है? ऋत्विक को यज्ञ को संभालना चाहिए, तदवत योगी को अपना भोग संभालना चाहिए, ध्यानाभ्यासी को अपना ध्यान संभालना चाहिए। यदि तुमने नहीं संभाला तो अनर्थ में जाओगे, कोई रोकने नहीं आएगा तुमको। बहुत सारा बहुत सुंदर श्लोक है ये, बस ये समझ में आ जाए तो, क्योंकि इसकी संगति लगना दिमाग में इतनी आसान नहीं है। जैसे यज्ञ कुंड में जब आप हवन कर रहे हैं उसे मैनेज कौन करता है? अब देखो उसमें क्या मैनेज करना होता है, हमारे तो मैं कटाक्ष ही कहता हूं कि इतने सब प्रबल वेदांती बन गए कि वो संडे को हवन होता था, जब मैं बैठता था तो खैर सभी बैठते थे। तो अभी भी आपको बताऊं कि प्रति रविवार को हवन होता है, कोई आए या ना आए, जो दो तीन लोग रहते हैं वो जरूर हवन करते हैं। 108 आहुतियां गायत्री की और किसकी, बट मेरे ख्याल से इसमें कोई ना आते होंगे। ये तुम तो आते होगे, तुम भी नहीं आते हो, मैं बोलूं सब वेदांती बन गए? होना तो यही चाहिए, गृहस्थ को तो जरूर करना चाहिए कि कम से कम हफ्ते में एक दिन। अच्छा करना क्या है आपको? अपना शरीर लाना है यहाँ पे। सोचो आप, कभी लगता है कि ये कलयुग नहीं तो ये आश्रम घी की भी व्यवस्था कर दे, आश्रम हवी की भी व्यवस्था कर दे, आश्रम प्रसाद की भी व्यवस्था कर दे, कुर्सी भी दरी भी सब ला कर दे, आप तो बस चले जाओ करके, वही बहुत बड़ी बात है। भी तो हमको उसी में संतोष है, उसके लिए तो लोग मिल जाएंगे। तब भी व्यक्ति नहीं चेता तो मुझे लगता है ये मति मारी गई इस गृहस्थ की, और क्या कहें आप, खुद ही चाहता है अपना विनाश और क्या। खैर जब हम लोग हवन करते थे, अगर आप घी ही ज्यादा डाल दो तो आपको जला देगी कौन? अग्नि। अच्छा आपने हविषा ज्यादा डाल दी घी की तुलना में तो घी फिर अग्नि बुझ जाएगी। दोनों में सामंजस्य बना रहना चाहिए। किसमें? इसीलिए एक आदमी ये डालता है तो एक आदमी घी डालता है, दोनों चीजों का सामंजस्य बना रहता है। इसको मैनेज करने वाले का नाम क्या है? ऋत्विक, पुरोहित होता। इसी तरीके से ये तो हो गया अधियज्ञ है। अब आ जाइए अपने ऊपर, यह जो हम भोग कर रहे हैं, भोग क्या कर रहे हैं, ये जो क्या कर रहे हैं, भोग ही तो कर रहे हैं, इसको संभालने वाले का नाम क्या है? योगी, ध्यानाभ्यासी। ठीक है। तो जैसे ऋत्विक को अपना यज्ञ संभालना पड़ता है, भोक्ता को ध्यानाभ्यासी को भोग क्या करना पड़ता है? संभालना पड़ता है। तो बोले ये कैसे संभाला जाए, ये दोनों कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, कौन? यज्ञ और भोक्ता। श्रुति कहती मैं तुमको दृष्टांत देता हूं। ये किस लिए दृष्टांत दे रही है? दोनों को सुरक्षित कैसे किया जाता है? बोले कैसे, कैसे के लिए दृष्टांत है, कैसे सुरक्षित होता है। बोलती देखो, यथा गर्भिणी भी जैसे कि
गर्भिणी स्त्री अपने गर्भ का कैसे ध्यान रखती है, कैसे ध्यान रखती है? सोते जागते खाते पीते उसका ध्यान किस पे रहता है? ऐसे ही ध्यानाभ्यासी साधक को सावधानी से, जो ध्यान करने वाला साधक है उसको अपनी सब चेष्टाओं को ध्यान में रखना चाहिए। मैं बार बार इस कक्षा में नहीं, जो दोपहर की गीता पढ़ा रहा था कह रहा था, 22 घंटे मेहनत के बाद, 20 घंटे मेहनत के बाद आधे घंटे ध्यान कर सकता है व्यक्ति, करके देखो आप। आप सोचो कि व्यवहार गड़बड़ करके आओ, कटु करके आओ, कुछ भी किसी को बोल के आओ, दिल दुखा के आओ, अपशब्द बोल के आए, कटु शब्द बोल के आए, और मैं क्या करूं? कर लो आप, ध्यान तो छोड़ो, जप की साधना नहीं हो सकती, जप भी नहीं हो सकता, तो वो तो यांत्रिक जप है ना, यांत्रिक जप समझे, घूमे जा रही, घूमे जा रही, घूमे जा रही है। किसका जप कर रहे है, किसका स्वरूप है वो, उसका स्वरूप क्या है? उसका स्वरूप तुम्हारे को नेत्र बंद करने के बाद वह तुम्हारे सामने छवि आई कि नहीं आई? बोले ये सब कुछ पता नहीं लगता, कौन सी छवि, घूमे चली जा रही, घूमे चली जा रही माला। इसको बोलते हैं यांत्रिक जप। आजकल तो मशीन भी आ गई है, कभी नहीं प्रयोग करना चाहिए, सब फालतू की चीजें, सब फालतू की चीजें हैं। उसको लेके घूम रहे हो, जहां जहां अपवित्र आप भी होके चले आए, उसको भी लेके अपवित्र कर रहे हो आप। इसीलिए इस माला को कहा गया के नाम सुमरणी। इसका नाम क्या बोलते हैं पता है? सुमरणी। सुमरणी मतलब आपको स्मरण कराती रहती है कि जैसे ही आप खाली हो तो अपना उठा लो और चालू कर दो, लेकिन ये यांत्रिक मत करना। यांत्रिक से कोई बहुत कुछ विशेष नहीं, एक अच्छा सात्विक समय जाएगा इतना ही है। और अच्छी करनी है तो 5 माला की बजाय 1 माला कर लो, लेकिन वो 1 में मजा आ जानी चाहिए कि आपको हर मनके के साथ उसका वो जो स्वरूप है वो स्वरूप दिखना चाहिए, जो भी देवी देवता आपके हों, बना। खैर, तो मैं ये इसकी बात कर रहा था, जैसे गर्भिणी स्त्री सब व्यवहार करते हुए भी, और वो इसलिए करती है, इतना खाती, इतना पीती, इतना चलती है, जिससे कि उसका जो बच्चा रहे वो कैसा रहे, स्वस्थ रहे। समस्त चेष्टाओं का जो आश्रय है, जो उद्देश्य है, वो कौन है? वो गर्भ है। देखो, टॉलस्टॉय हुए, उन्होंने ये वाक्य बोला, ऐसा स्वामी जी ने, गुरु जी ने बोला कि इस संसार की सबसे जटिल प्रक्रिया है गर्भधारण करना, सबसे जटिल प्रक्रिया, जो कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं, जटिलतम प्रक्रिया है गर्भ को धारण करना। आप कभी कल्पना करो कि वो कैसे बंद है, कैसे श्वास लेता है, और मां भी चल रही है, मां भी ले रही है, वो खा रही है, तो वो भी खा रही है, तो वो भी खा रहा है, तो उसका भी निकल रहा है, इसका भी निकल रहा है, कहां निकल के जा रहा है, कितनी थैली में है, और जीवित भी है, और 9 महीने बाद आपको क्या हो गया, निकल के बच्चा, कौन सी प्रक्रिया है? अच्छा, आप ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे? सोनोग्राफी करके देख लोगे, इससे ज्यादा आप और क्या कर सकते हो उसको, इससे ज्यादा आप और क्या कर सकते हो? अब ऐसा स्वामी जी तो कहते थे, इस जटिल प्रक्रिया को ना तो मां समझती है, सी मां भी नहीं समझती,
वो कारण बता रहा हूं आप। पुरुष तो समझता ही नहीं, खैर न स्त्री समझती इस जटिल प्रक्रिया को। वो तो ये भी कहते थे, ध्यान रखें हम आपको डॉक्टर को, ये तो हम लोग हरी कक्षा डॉक्टर जैसे आप विनीता में, ये लोग तो खैर आध्यात्मिक लोग हैं। डॉक्टर भी उस जटिल प्रक्रिया को नहीं समझता, उसका काम है किसी तरीके से सिजेरियन करके पैसे कमाना, है मैं राइट? यही एक उद्देश्य रह गया बस, कुछ ना करना पड़े, काटो निकालो। तो ऑपरेशन थिएटर तो फिर नेचुरली एक प्रोटोकॉल हो गया पूरा, आपने अगर सर्जरी की एक पैकेज बन गया और वो प्रोफेशन क्या हो गया। वह भी उस दिव्य चीज को नहीं समझ पा रही जो कि वो देख सकती है, कौन? चिकित्सक। और अध्यात्म का ऋषि कहता है कि इससे बड़ा ब्रह्म का दर्शन वहां हो नहीं सकता, कि कैसे रक्षा की, किसने की रक्षा? आपकी नहीं, बड़े बड़े घरों की नहीं, मजदूर के बच्चे की भी, उसके भी जो नाले में कूड़े बिन रही, उसके पेट में भी जो बच्चा है उसकी भी रक्षा कौन कर रहा है? अच्छा, कभी मैं सोचता हूं उनकी कितनी सोनोग्राफी हो जा रही है, उनको कितना विटामिन और प्रोटीन और दूध और दही और फल और नारियल पानी मिल रहा है, आप सोचो। लेकिन वो भी बच्चा कर रही है, और यही नहीं स्वस्थ कर रही है। तो आप सोचो, जो टॉलस्टॉय ने बोला इस संसार की सबसे जटिल प्रक्रिया कौन सी है, और वो उपनिषद कहती है जैसे गर्भिणी स्त्री, एक शब्द दिया सुभ्रतः, देखा, मिल रहे हैं? अब आप देखो क्या मतलब, क्या रहस्य है इतनी बड़ी, मतलब वो जो गर्भ में पल रहा बच्चा है वो भविष्य का शंकराचार्य है, भविष्य का वैज्ञानिक है, भविष्य का साधु है, भविष्य का बलात्कारी है, भविष्य का आतंकवादी है, भविष्य का प्रधानमंत्री है, किसमें? किसी को कुछ नहीं पता, किसी को कुछ भी नहीं पता। कहां रह रहा है? गर्भ में। सी, आप अदृष्ट तो देखो कितना है। जब वो गर्भ में है किसी को भान ही नहीं है कि ये कौन है। लेकिन भले ही आप कहो आपका पुरुषार्थ, कभी पुरुषार्थ कम होते हुए भी प्रारब्ध उसको वहां तक क्या हो जाएगा, लेकर जाएगा। रास्ते अपने आप बनेंगे, कोई ना कोई मिलेगा जो उसको टॉर्च लेकर रास्ता क्या करेगा आगे। अब कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, ये कोई नहीं बता सकता। लेकिन यदि उसका प्रारब्ध है तो वहां तक वो जाएगा जरूर। कौन? वो गर्भ में पल रहा बच्चा। बन गया? अच्छा, तो अब बच्चे का पालन क्या है? मां का छाई देखो, क्या पालन करेगी गर्भिणी स्त्री? तो ये कहा गया मां का संयम ही बच्चे का पालन है। करना कुछ नहीं है, मां का संयम ही बच्चे का पालन है। संयम आपको करना है। यदि ये संयम करेंगे कौन? वो स्त्री। तो पालन किसका हो जाएगा? तुमको खुद साक्षात पालन नहीं करना है, तुमको कुछ खिलाना पिलाना नहीं है उसको, तुम तो अपना संयमित रहो, वो अपने आप पल जाएगा। अब देखो जरा इस विधि को आप, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ध्यान रखना, शंकराचार्य जी क्या लिखते हैं जरा देखो भाष्य। गर्भ इव गर्भिणी भी अंतर्वत्न भी
अगर्हित सी, देखो क्या नहीं करना है और क्या करना है, बोले इन चीजों का ध्यान रखना है। अच्छा अब एक बात याद रख लें, ये सब क्यों पढ़ाया जा रहा है आपको, गर्भ गर्भ की बातें, ध्यानाभ्यासी को, ध्यानाभ्यासी को अपने अंदर ब्रह्म को कैसे सुरक्षित रखना है, जैसे ऋत्विक अग्नि को सुरक्षित रखता है, ध्यानाभ्यासी अपने अंदर ब्रह्म को कैसे, इसके समझाने के लिए दृष्टांत दिया जा रहा है। जैसे कि गर्भिणी स्त्री के अंदर पल रहा गर्भ बना, क्या संयम, बोले तुम तो कुछ ना करो, तुम तो अपना एक ध्यान रख लो, बच्चे का तो छोड़ो, वो अपनी किस्मत लेके आएगा, वो अपनी किस्मत लेके आएगा, तुम एक एक बात का ध्यान रखो, क्या रखो, देखो अन्न, देखा कैसे भाष्यकार लिखते हैं, अन्न पान, देखो उस जमाने में भी भगवान शंकराचार्य जी लिख के गए, पान मतलब हाँ? मान मतलब ये पान नहीं खाना, नहीं, कोई भी मूर्खाधिराज कुछ भी समझ सकते हैं, कोई भी है, वो पान को समझ ले कि स्वामी जी ने पान खाने को कहा है, ना ना। अब देखो इसीलिए कोई गलत तो भी गर्भिणी स्त्री पीती है, आपको क्या पीना है ये भी संभल कर, क्या नहीं पीना है इस पे ध्यान देना है, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है, मदिरा नहीं पीनी है, ऐसा कोई पेय नहीं पीना है, इसको क्या बोल दिया, पान, और एक को क्या कहा गया, अन्न, क्या खाना है और क्या पीना है, इसका प्रभाव किस पे जाएगा, बच्चे पर, बन गया। अन्न पान भोजन, भाष्य करने का वो आगे अपने आप सब समझ लो क्या क्या करना है, आदिना यथा, देखो फिर से विषय पर आ गए, जैसे कि मिल रहा है सबको भाष्य, अन्न पान भोजन आदिना यथा गर्भः सुभ्रतः सुष्ठः सम्यक भ्रतः लोक इव इत्थम्। मिल रहा है सबको, जैसे गर्भिणी स्त्री संयम करके क्या खाए क्या पिए वो पालन करती है, ऐसे ही अध्यात्म में भी उसको अपने इस पल रहे गर्भ का पालन करना चाहिए। स्वामी जी ने एक और बोली, जैसे कि उस पल रहे बच्चे का कोई ना कोई एक पिता होता है, एक हो गई मां, तो पिता ने बीज को आधान किया, किसमें, किसमें, मां में, तो मां का गर्भ आया। अध्यात्म में कौन पिता है, हाँ? प्रश्न समझ में आ रहा है, आप क्या हो गए, तो गर्भिणी स्त्री हुए ना, तो पिता कौन है आपका, किसने रखा बीज, चेतन क्यों करेगा भाई, वही तो पल रहा है अंदर। हाँ, आध्यात्मिक शिशु का जो पिता है वो गुरु है, उस गुरु ने ही उस शिष्य के अंदर गर्भ में उस बीज को क्या कर दिया, रख दिया। रक्षा किसको करनी है, शिष्य को, अपनी वाणी के जरिए से, मंत्र के जरिए से, तपश्चर्या के जरिए से उस गुरु ने उस शिष्य के अंदर क्या कर दिया, उस अध्यात्म के बीज को रख दिया। तो वह जो गुरु है वो क्या कहलाएगा,
तो फिर आप क्या बोलते हैं जब पढ़ते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म त्वमेव माता च पिता, ये आप ही पिता हैं। क्यों? इस बीज को किसने रखा? जिसने भी इस बीज को जीवन में रखा वो गुरु है। लेकिन यह रखना धार्मिक बीज को नहीं, आध्यात्मिक बीज को, ये बना वो पिता है। बातें तो आपने बहुतों से की, हर आदमी थोड़ी ना पिता बन गया। जिसने अध्यात्म का कख रखा, जिसने अध्यात्म का बीज डाला, वह बीज डालने वाला जो व्यक्ति है वो क्या हो गया आपका? तो वो पिता, वह गुरु हुआ। इसलिए आध्यात्मिक शिशु का जो पिता है वो कौन हो गया? वो गुरु हो गया। अच्छा फिर से देखो, जैसे कर्मुद्धिष्ट के लिए, ये देखो कहां आ गया, भाष्य देखते जाइएगा। अन्नपान, ये समय हो गया ना, हो रहा है, सही हो रहा है ना, 9:30 हो रहा है, 9:25 है ना। ये तीन पंक्तियां बड़ी महत्वपूर्ण है, बाद में पढ़ाऊंगा आराम से, बाद में पढ़ाता हूं उसको। हाँ 13वां अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते, एतं यो वेति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञं चापि मां वेद्धि सर्वक्षेत्रेषु।